हेलो। अरे भाई कौन सी माफ़ी, जब नुकसान तुमसे हुआ है तो उसकी भरपाई तो तुम ही करोगे, तुम्हारी सैलरी से तो कटेगा वो, मैं अपनी जेब से थोड़ी भरूंगा। अब मैं ऐसी सबको माफ़ करता रहा तो भाई मेरा काम तो बंद हो जाएगा। तुमसे नुकसान हुआ है तो तुम्हारी सैलरी से ही कटेगा। भाई हमारा भी तो त्यौहार है, सिर्फ तुम्हारे त्यौहार थोड़ी हैं। काम कम करेंगे, नुकसान ज़्यादा। पप्पा ये 11 दिन में आपकी खूब सेवा करूँगा, रोज अलग अलग नई नई मिठाइयाँ लाऊंगा। आज ना मैं आपकी सबसे महंगी वाली मूर्ति ही लूँगा, घर भी पूरा सजा कर आया हूँ, पूरे धूमधाम से आपका स्वागत करूँगा। बस आप ना मेरे सारे विघ्न दूर कर दो। करोगे ना पप्पा? दरअसल मुझे गणपति लेने थे। अरे भाई बप्पा तो सभी के हैं, आपके चारों तरफ गणपति ही गणपति हैं, आप जो चाहो पसंद कर लो। देखिए मतलब मुझे ना सबसे सुंदर गणपति चाहिए, मतलब सबसे सुंदर, देखते ही मतलब है ना, सबसे सुंदर गणपति। भाई साहब जब भगवान ने हमें बनाने में कोई कमी नहीं रखी तो हम कैसे रख सकते हैं? हाँ मतलब आपकी वो बात ठीक है, पर मुझे ना एक ऐसी मूर्ति चाहिए जो दिखने में महंगी हो, मतलब अगर मैं उसे घर ले जाऊँ तो मेरे घर की शान बढ़ जाए। भाई साहब गणपति तो जिसके भी घर में जाते हैं उस घर की शान तो बढ़ ही जाती है, ये देखिए कितने सुंदर हैं। सिर्फ सुंदर ही नहीं, हम इनके रूप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनके बड़े कान हमें सीख देते हैं कि हमें सुनने की क्षमता होनी चाहिए। गणेश जी की सूंड हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कभी भी सीधी नहीं चलती, मुश्किलें तो आएंगी, जिंदगी का हिस्सा है वो। गणेश जी का बड़ा पेड़ हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर पचाने की क्षमता होनी चाहिए। अब इससे मेरा मतलब खाने पीने से संबंधित नहीं है, मेरा मतलब है जिंदगी में होने वाली अच्छी बुरी चीज़ों को पचाना, जैसे कि गुस्सा। गुस्सा तो गणेश जी को भी आता है पर उन्हें माफ़ करना भी आता है, क्या तुम्हें आता है? चलो तुम फिकर मत करो, तुम्हारे लिए सुंदर सी मूर्ति ढूंढते हैं। हाँ जी भैया क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं भैया, वो मैंने आपके मालिक को बता दिया है, वो मूर्ति ढूंढ रहे हैं मेरे लिए। मालिक? भैया मैं ही तो मालिक हूँ, किसको बोल दिया आपने? अरे इन्हें तो बोला है मैंने, ये देख तो ले पीछे।
भाई कौन है यहाँ? पीवी के आया है क्या? अरे ये चूहे यहां पे कहां से आ गए? ऐसी सबको माफ करता रहा तो भाई मेरा काम तो बंद हो जाएगा। पर उन्हें माफ करना भी आता है, क्या तुम्हें आता है? अरे भाई मूर्ति लेनी है तो ले, क्या ड्रामे कर रहा है? तो फिर पसंद कर लेना भाई। अब तो भैया कोई भी देख लीजिए, सभी सुंदर है। हेलो। हाँ कल किसी एम्प्लॉय का फ़ोन आया था। उसकी सैलरी मत कट करना, पूरी ही देना। कोई बात नहीं, हमें प्रॉफिट भी तो वही देते हैं। पत्थर एक बार मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है। इंसान हर रोज मंदिर जाता है फिर भी पत्थर बन जाता है।